बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स 9, चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए 1.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये स्टेटमेंट में दी गए क्वेश्चन हैं जिनकी हेल्प से आपने, जिस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने इक्वेशंस खुद बनानी है और फिर उन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। अब देखिए कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल तो आप खुद ही से सॉल्व करना प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आपने जस्ट ये सीखना है कि हम स्टेटमेंट की हेल्प से लीनियर इक्वेशन कैसे डिवेलप करते हैं। सो मैं आपको आज के इस लेक्चर में ये सिखाऊंगा कि हम स्टेटमेंट को रीड करके एक आसान तरीके से लीनियर इक्वेशंस कैसे डिवेलप करेंगे। आप उस सिस्टम को जो इस तरह से पढ़ के आप डिवेलप करेंगे, उस सिस्टम को सॉल्व खुद ही से करेंगे एज अ होमवर्क, कि जिसमें आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करेंगे या फिर क्रैमर्स रूल को यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द रिजल्टिंग सिस्टम। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उस स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशंस बनाने को सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स के पास बुक्स होनी चाहिए, प्लीज़ ओपन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इसको लेंथ कहें और इसको विड्थ कहें तो एक एक्स और एक वाई, यानी एक लेंथ और एक विड्थ है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। अब देखिए कि उसने आपसे कहा कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने एक्स ली है, तो एक्स के बारे में वो कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स विड्थ। का मतलब क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो विड्थ वाई को। टाइम से मुराद घड़ियाँ नहीं है, बल्कि टाइम से मुराद 4 को मल्टीप्लाई करें, यानी 4 टाइम्स द प्रोडक्ट वाई। सो 4 वाई आप इसको कह देंगे। अब आप इसको अरेंज करें तो ये बनती है x माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है जिससे आप लेंगे। और दूसरी बात, वो कहता है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है। याद रखिए कि पेरीमीटर जो होता है वो इस बाउंड्री को बोलते हैं। तो आप अगर इस साइड को, इस साइड को, इस साइड और इस साइड को ऐड कर दो तो ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ये साइड याद रखिए कि अगर एक्स है तो इस साइड को भी एक्स होना चाहिए, और ये साइड वाई है तो इसको भी वाई होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इक्वल किसके है? उसने आपको पेरीमीटर 150 के इक्वल दिया है। सो 2x प्लस 2y 150 के इक्वल है। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन आपने बना ली है। अब आप इसे किसी भी मेथड के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस सिस्टम को आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके दूं, तो देखिए कि x माइनस 4y इक्वल टू 0 एक है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 150 दूसरी लीनियर इक्वेशन आ रही है। तो अब आप देखिए कि आपने इस सिस्टम को, यानी x माइनस 4y इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 150, इस सिस्टम को ax और ay मैट्रिक्स उसी तरह से बनाते हुए इन सब के डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट किए और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, यानी लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। आपने मेन काम ये करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो आप सीख चुके हैं, सिर्फ आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हम स्टेटमेंट को पढ़ के लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये देखते हैं कि हम स्टेटमेंट को पढ़ के और उसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशन को कैसे डिवेलप करेंगे। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। देखिए, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3.5। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस बोलते हैं माइनस को,
टू साइड्स यानी एक एक्स और एक वाई। आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को उसी तरह से एक्स और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को वाई कह दिया। उसने कहा जी डिफरेंस लें यानी माइनस करवाएं, किन का, दो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल का, तो ये आंसर आएगा 3.5। उसने आपको ये बताया। उसके बाद कहता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया पेरीमीटर का फार्मूला आपने याद करना है, 2x प्लस 2y, दिस इज पेरीमीटर। पेरीमीटर उसने 67 दिया हुआ है, ये 67 के इक्वल पुट कर दें। अब आप इस सिस्टम को सॉल्व करें तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों मेथड प्रीवियस टू लेक्चर्स में कवर करवा दिए हैं, तो आप इसके ऑनवर्ड्स काइंडली इसको कंप्लीट खुद कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें टू एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल डिफरेंट है, तो डिफरेंट एंगल को आप x ले लें और टू इक्वल एंगल्स को आप y ले लें। वंस अगेन देखिए एक ट्राइंगल के जिसके दो एंगल इक्वल हों और थर्ड एंगल मुख्तलिफ हो, ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। हम थर्ड डिफरेंट एंगल को x ले रहे हैं और टू इक्वल एंगल्स को y ले रहे हैं, तो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड एंगल मैं किस को ले रहा हूँ, एक्स को, तो आप लिखेंगे थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज से मुराद है इज इक्वल टू। सो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 डिग्री लेस। 16 डिग्री लेस का वर्ड जब आए तो माइनस 16 करना है, 16 डिग्री मोर का वर्ड आए तो प्लस 16 करना है। जब ये कहे 16 डिग्री लेस तो आपने माइनस 16 कर दिया। उसके बाद कहता है सम ऑफ टू इक्वल एंगल, तो आपने सम लेना है किन का, टू इक्वल एंगल्स का यानी वाई और वाई का, तो ये बनेगा x इक्वल टू वाई प्लस वाई इज टू वाई माइनस 16। अब आप ये 2y इक्वल के साइड पर शिफ्ट करो तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 16, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ रही है। उसके बाद देखिए आपको क्या कहता है, फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें आप देखिए तो इस एंगल और इस एंगल, तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए, तो याद रखिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, यानी x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। सो आई थिंक ये इक्वेशन बनानी आपको क्लियर है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। याद रखिए कि राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल फिक्स है कि वो 90 डिग्री के इक्वल है और बाकी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब एक x और एक y ले लें, तो याद रखिए कि एक एंगल तो 90 होता है लेकिन इन दोनों का सम 90 होता है, ये खुद 90 होता है और इन दोनों का सम 90 होता है। तो अब कंडीशन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर। सो वन एक्यूट एंगल x इज इक्वल टू, जब उसने कहा वन एक्यूट एंगल आप ले लें x, इज कहे तो आप इज इक्वल टू लगा दें, 12 डिग्री मोर कहे तो आपने प्लस 12 करना है, अगर 12 डिग्री लेस कहता तो माइनस 12 करते। 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस दी अदर से मुराद क्या है, दूसरे एक्यूट एंगल y को 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस दी अदर से मुराद है 2 टाइम्स दी अदर, थ्राइस दी अदर कहेगा तो 3 टाइम दी अदर आएगा, अगर 4 टाइम्स दी अदर कहेगा तो 2x दी अदर तो आप 2y लगा दें, अब अगर थ्राइस दी अदर कहेगा तो आप 3y लगाएंगे, अगर 4 टाइम्स दी अदर कहेगा तो आप 4y लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 12 डिग्री लेस आता है तो माइनस 2 आएगा। सो थर्ड एंगल, सो वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज से मुराद है इज इक्वल टू, 12 डिग्री मोर से मुराद है प्लस 12 और ट्वाइस दी अदर से मुराद है 2 टाइम्स दी अदर, ट्वाइस दी अदर, थ्राइस दी अदर, फोर टाइम्स दी अदर, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 2 या 3 या 4 या इस तरह से कुछ लगा रहे होंगे। उसके बाद देखिए कि मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बनानी किस तरह से सिखाई है कि ये खुद 90 होता है और इन दोनों का सम 90 होता है, अगर राइट ट्राइंगल की बात करेगा तो
तो हम x और y के सम को 90 डिग्री इक्वल ले लेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ रही है, और इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें तो ये 2y इक्वल किस तरफ शिफ्ट होने पर इक्वल टू 12 आ रहा है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों के सिस्टम को आप सॉल्व करेंगे इकट्ठे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन या क्रैमर्स रूल, तो आप देखेंगे कि आप इजीली इस सिस्टम को सॉल्व करके x और y की टू वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस लास्ट क्वेश्चन की जानिब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाएंगी। तो हम देखते हैं कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 6 में x और y को टू कार्स की स्पीड से डिनोट करना है। तो आपने लिखना है कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर। हम नहीं जानते कितनी है क्योंकि उसने हमसे क्या डिमांड किया, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो हमने x और y फाइंड करना है, तो x डिनोट कैसे कर रहा है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को, और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y किलोमीटर पर आवर। यूनिट आपने वही लेना है, अगर वो मीटर पर सेकंड देगा तो आपने वही लेना है, और किलोमीटर पर आवर दे रहा है यानी डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर्स में ले रहा है, तो आपने किलोमीटर पर आवर लेना है। मज़ीद आप देखिए कि वो जब आपसे स्पीड ऑफ ईच कार डिमांड करे तो आपने एक्स और वाई को स्पीड के लिए यूज़ करना है। अब देखिए कि वो कहता है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, उसने हमें एक हिंट दिया, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। एक्स और वाई क्या हैं, स्पीड्स। उसने कहा स्पीड्स का डिफर मीन्स डिफरेंस लो, डिफरेंस मीन्स माइनस करो, स्पीड्स को माइनस करो आंसर 6 आएगा। ये उसने हमें पहली इक्वेशन दी है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्टेटमेंट देखिए कि दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब है ये कार भी मूव कर रही है और ये कार भी मूव कर रही है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड की जाएगी तो टोटल स्पीड आएगी। सो आप जानते हैं कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस माइनस रिमेनिंग डिस्टेंस, और टाइम टेकन की जगह टोटल टाइम आ जाएगा, स्पीड की जगह स्पीड आ जाएगी। अब देखिए कि चूंकि दोनों कार्स चल रही हैं, ऐसा नहीं है एक रुकी हुई है और दूसरी उसकी तरफ आ रही है, इसलिए दोनों की स्पीड्स को ऐड किया जाएगा, स्पीड में एक्स प्लस वाई आएगा। टोटल डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। माइनस के बाद वो कहता है रिमेनिंग डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह गया है कुछ टाइम के बाद, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 123 को माइनस करवा दिया जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड के। सो टोटल डिस्टेंस माइनस रिमेनिंग डिस्टेंस में हमने 600 माइनस 123 पुट किया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन में देखिए उसने कितना टाइम लिया, 4 होल 1/2 आवर्स, हमने लिख दिया 4 होल 1/2 आवर्स। अब आप देखिए x प्लस वाई ऐसे ही आएगा, 600 माइनस 123 477 होते हैं, डिवाइडेड बाय 4 होल 1/2 को अगर आप देखें तो ये 2 4 8, 8 प्लस 1 9 बाय 2 आवर्स बनते हैं। अब आप देखिए x प्लस वाई आप ऐसे ही लिखेंगे, 477 डिवाइडेड बाय 9 बाय 2 लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप x प्लस वाई इक्वल टू 477, डिवाइड को आप जानते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 2/9 लिखेंगे। अब आप अगर इस सब को सिंप्लीफाई करें यानी 477 को 2 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करें तो आपको आंसर 106 मिलेगा। सो सेकंड इक्वेशन ले ये ले लेनी है और फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेनी है। तो आई थिंक कि आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इस सिस्टम को सॉल्व करके स्पीड ऑफ फर्स्ट कार और स्पीड ऑफ सेकंड कार फाइंड आउट कर सकते हो।
दैट्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम अगले चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली अपने तक न रखें, बल्कि इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।